कैसा भी बोझ उठा सकती है, वो सीता बन बेटों को लवकुश बना सकती है। कि नारी नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, वो सीता बन बेटों को लवकुश बना सकती है। अरे कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को तुम दोस्त, जिस हाथ में चूड़ियां है ना ये कल को तलवार भी चला सकती है। चार पंक्तियों में अपना परिचय देना चाहूंगा, यदि बात आप तक पहुंचे तो आपका प्यार चाहूंगा। कि मेरे दिल के रास्ते को एक हसीन मोड़ दो, मुझसे इश्क करते हो तो आओ मेरे दिल को तोड़ दो। मेरे दिल के मेरी जिंदगी के रास्ते को एक हसीन मोड़ दो, मुझसे इश्क करते हो तो आओ मेरे दिल को तोड़ दो। मुझे इस जिंदगी में कुछ और अब नहीं चाहिए, बस मंच पर माइक लगाओ और मुझको खुला छोड़ दो। अच्छा यार, कितने लोग हैं जिनको कभी ना कभी इश्क हुआ है? इंजीनियरिंग कॉलेज में आके पूछना तो बनता है। अच्छा कितने लोग हैं जिनका इश्क मुकम्मल नहीं हुआ? हाथ ज्यादा उठे हैं। चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। कि उनकी नजरें झुकी तो लगा वे भी प्यार में हैं, उनकी नजरें झुकी तो लगा वे भी प्यार में हैं, गाल सुर्ख हुए तो हमें लगा हम चिंतित बेकार में। उनकी नजरें झुकी तो लगा वे भी प्यार में हैं, गाल सुर्ख हुए तो हमें लगा हम चिंतित बेकार में हैं। अपने दिल की सारी हिम्मत जुटा, उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचे, गंभीर आवाज आई, प्रतीक्षा करें आप कतार में। अब कवि की बेइज्जती हो गई, तो कवि ने क्या जवाब दिया है प्रेमिका को? कि तेरे मेरे दिल को मैं ऐसा लॉक कर दूंगा, दिखाऊंगा वही जलवा कि सबको शॉक कर दूंगा। तेरे मेरे दिल को मैं ऐसा लॉक कर दूंगा, दिखाऊंगा वही जलवा कि सबको शॉक कर दूंगा। तेरे सारे जो नखरे हैं इन्हें घर पे ही तुम रखना, जो ज्यादा चौंचों की तो कल तुझको ब्लॉक कर दूंगा। चार पंक्तियां देश के हालात पर पढ़ना चाहूंगा। हमारे देश के जो महान नेता हैं उनको चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, जो कि वो डिजर्व नहीं करते। यदि बात आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कि सर की सफाई पेट की गोलाई लाल बत्ती में लुगाई, कि सर की सफाई पेट की गोलाई लाल बत्ती में लुगाई, और पहचाना जाता है नेता वेश देखकर। अरे हम तो रात भर करवटे बदलते हैं दूसरों का भला करके, ना जाने कैसे सो लेते हैं ये गद्दार देश बेचकर, ना जाने कैसे सो लेते हैं ये गद्दार देश बेचकर। एक छोटी सी कविता आप सबके बीच में रखता हूं, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। आशा करता हूं आप सबके दिल तक ये बात पहुंचे। कि एक दिन एक दुखियारी महिला डॉक्टर के पास आई, आते ही उसने अपनी दुविधा फिर बतलाई, बोली मेरा दैनिक जीवन पूरा अस्त व्यस्त है, पप्पू के पापा भ्रष्टाचार नामक बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी के लक्षण काफी पहले नजर आ रहे थे, बाराती शगन लिफाफों में नहीं फाइलों में लगकर ला रहे थे। अरे दिक्कत तो तब हुई जब पंडित जी मंत्र बुदबुदाने लगे, हर एक स्वाहा के बाद अपनी फीस 100-100 रुपए कर बढ़ाने लगे। साली साहिबा तक से ये सेटिंग करने में बिल्कुल ना शर्माए, ₹2100 की घूस खाकर अपने जूते खुद ही चोरी करवाए। खैर अब पेट गोल, सर साफ और नजर कमजोर हो गई है, घर के हर एक कोने में लॉकर की व्यवस्था चारों ओर हो गई है। रात को एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से नींद से जागने लगे हैं, और पप्पू की रिपोर्ट कार्ड पे भी साइन करने के 500 रुपए मांगने लगे हैं। डॉक्टर बोला अब आप थोड़ा और डिटेल में समझाइए। वो बोली अरे अखबार वाले तक को बोल दिया इन्होंने, भैया आपके कागज पूरे नहीं, आप दूसरे बाबू के पास जाइए। डॉक्टर साहब अब आपको और कितना समझाना पड़ेगा, बाजार से सब्जी लाने को कहूं तो कहते हैं डिपार्टमेंट तो मेरा नहीं है, काम हो जाएगा, थोड़ा चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। इतना समझाने पर भी कतई नहीं शर्माते हैं और फैमिली डिनर के समय सब्जी दाल चावल सब टेबल के नीचे से पकड़ाते हैं। डॉक्टर बोला आप चिंतित ना हो और बिल्कुल ना शर्माए, इस समस्या का है सीधा सच्चा सरल सा उपाय, आप इन्हें भारत में हो रहे भ्रष्टाचार के आंकड़े गिनवाइए, घर के हर एक कोने में CCTV कैमरे की व्यवस्था करवाइए, और आज रात को डिनर मांगे तो 500 की डिमांड आप भी उठाइए। टीवी के रिमोट की भी फिक्स कर दीजिए फीस, और बच्चों को गले लगाने को कहे तो मांगिए 10,000, तब उठेगी इनके दिल में।
मैं जानता हूं आप इन्हें कितना कुछ समझाती हैं, पर सुधार तब होता है जब बात खुद पर बन आती है। अरे दूसरों का नहीं, अगर हम केवल अपना जिम्मा उठा लेंगे तो भारत को एक दिन हम फिर से भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड योर पोइट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।